हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 का स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा वीडियो का मतलब क्या है? फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मतलब उसका क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है इसका? एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या देखता है कि आपके कंपनी को एक्चुअली में कितने कैपिटल की ज़रूरत है। बिकॉज जब तक आपको कितना ज़रूरत है ये नहीं पता होगा, तो कैसे लेना है ये तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहला वर्क क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? वो किसी भी कंपनी के कैपिटल रिक्वायरमेंट के एस्टिमेशंस लगाता है कि एक्चुअली में इस पूरे कंपनी को सेट करने के लिए कितना कैपिटल की ज़रूरत होगी। अ फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू मेक एस्टिमेशन विथ रिगार्ड्स टू कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो भी फाइनेंस मैनेजर होता है वो क्या करता है कि ये एस्टिमेशन लगाता है कि इस कंपनी को बनाने में, सेट करने में कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी ओवरऑल। दिस विल डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड फ्यूचर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ ए कंसर्न। ठीक है, ये एस्टिमेशन पूरी तरीके से किस पे डिपेंड होता है कि जो भी वो प्लान कर रहा हो उसमें कितना कॉस्ट आएगा, उसको कितना प्रॉफिट चाह रहा हो, उसके फ्यूचर्स प्रोग्राम कैसे हों और उसकी पॉलिसीज कैसी हो, ये सब को ध्यान में रख के वो इस बात का एस्टिमेशन लगाता है कि एक कंपनी को कितने कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। एस्टिमेशन हैव टू बी मेड इन एन एडिक्वेट मैनर विच इंक्रीजेज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ इंटरप्राइजेज। ठीक है, जो एस्टिमेशन होता है वो इतने सही तरीके से लिया जाता है, अब वो फाइनेंस मैनेजर होते हैं वो लेते हैं कि वो आपके कंपनी के इंटरप्राइज के कैपेसिटी को, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते ही हैं। ठीक है, समझ लो कि जो फाइनेंशियल डिसीजन हो रहा है यहाँ पे उसको भी इतने अच्छे से लेना होता है कि वो आपके कंपनी को कभी भी लॉस में न डाले, वो आपके कंपनी को हमेशा क्या करे, प्रॉफिट ही दे रिटर्न में। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट फंक्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन। वंस द एस्टिमेशन हैज़ बीन डन, द कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैव टू बी डिसाइडेड। ठीक है, अब आपको पता चल गया एस्टिमेशन कैसे, ठीक है, डिटरमाइन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन, अब हमें उस कैपिटल को कैसे अपने बिजनेस में लाना है इस बात का डिसाइड करना। ठीक है, वंस द एस्टिमेशन हैव बीन मेड द कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैव बीन डिसाइडेड। एक बार आपने अंदाज़ा लगा लिया, आपको पता चल गया कि हाँ हमें किसी बिजनेस में कितने पैसे की ज़रूरत है, मान लो 1,00,000 की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम ये बात डिसाइड करेंगे कि हम अपने कंपनी का कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर रख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ओनर्स फंड चाहिए, बोरोड्स फंड चाहिए। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि 1,00,000 रुपये हमें ज़रूरत है, अब हम उस 1,00,000 रुपये को अपने कंपनी में किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, बाय ओनर्स फंड करेंगे या बाय बोरोड फंड करेंगे, वो भी हमें क्या कौन डिसाइड करके बताता है, वो हमारा फाइनेंस मैनेजर ही बताता है। दिस इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी एनालिसिस। ठीक है, इसमें ये भी होता है कि आपको ये भी डिसीजन लेना होता है कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लोगे या लॉन्ग टर्म इक्विटी लोगे। ठीक है, आप किस चीज़ में, आप किस फंड, किस सोर्स से आप अपने फंड को रेज करना चाहते हो। दिस विल डिपेंड अपॉन द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल अ कंपनी इज पजेजिंग एंड एडिशनल फंड विच हैव टू बी रेज फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज। ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितने इक्विटी कैपिटल्स हैं। ठीक है,
तभी आपको क्या होगा, आपके पास जितना ज़्यादा इक्विटी कैपिटल होगा तभी आपकी कंपनी एक पजेस करती है, मतलब आपकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी होती है, ताकि आप दूसरे आउटसाइड पार्टीज से पैसा ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ओनर्स कैपिटल ही नहीं है तो आपके पास ऑफकोर्स सी बात है आउटसाइड पार्टीज जो है आपको फंड नहीं देंगी। आपके पास जब तक एक अच्छा क्या होता है इक्विटी कैपिटल नहीं होता है तब तक आपके पास अच्छा बोरोड कैपिटल भी नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ये आपके इक्विटी कैपिटल पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपके पास किस प्रपोर्शन में इक्विटी कैपिटल है, उसी प्रपोर्शन में आप क्या कर सकते हो आउटसाइड पार्टीज से भी फंड रेस कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। आपको इस सोर्स ऑफ फंड को चूज करना है। फॉर एडिशनल फंड टू बी प्रोक्योर्ड अ कंपनी हैज़ मैनी चॉइसेस लाइक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। जब भी आपके कंपनी को एडिशनल फंड्स चाहते हैं तो कंपनी को ये डिसाइड करना होता है, ठीक है। उसके पास ये चॉइस रहता है कि वो डिसाइड कर सके कि उसको शेयर्स इशू करने हैं, डिबेंचर्स इशू करने हैं, या उसको किस तरीके से अपने कंपनी में क्या करना है, अपने कंपनी को फंड करना है, ठीक है। लोन्स टू बी टेकन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो क्या करेगा, वो लोन लेता है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसके पास ये ऑप्शन भी होता है। पब्लिक डिस्पॉजिट्स टू बी ड्रॉन लाइक इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, ठीक है। वो बॉन्ड्स के फॉर्म में पब्लिक डिपॉजिट्स को भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, इशू कर सकता है मार्केट में। चॉइस ऑफ फैक्टर्स विल डिपेंड अपॉन रिलेटिव मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ ईच सोर्स एंड पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। अब आप किस फैक्टर्स को, किस सोर्स को चूज कर रहे हो, ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है, ये पूरे तरीके से उनके मेरिट्स या डी मेरिट्स पे, ठीक है, हर चीज़ों की। जैसे आप बैंक से लोन ले रहे हो या आप पब्लिक डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके उसका उसके मेरिट्स डी मेरिट्स और एक टर्म पीरियड पता होना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि वो आपके हिसाब से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको जैसे शॉर्ट टर्म चाहिए और आप लॉन्ग टर्म वाले में इन्वेस्ट कर रहे हो, उनकी चीज़ें देख रहे हो, तो आपको वो कभी भी बेनिफिट नहीं देगी, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो आप ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म पास ही जाओगे, ठीक है। आपको मीडियम लोन चाहिए, मीडियम टर्म लोन चाहिए, तो आप कमर्शियल बैंक के पास जाओगे, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आप उस अकॉर्डिंग चूज करोगे कि हाँ हमें कौन सा सोर्स ऑफ फंड क्या करना है, अपने कंपनी के लिए यूज़ करना है, ओके। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू डिसाइड टू अलोकेट फंड इनटू प्रॉफिटेबल वेंचर्स, ठीक है। नेक्स्ट उसका वर्क क्या होता है कि जो फंड उसने ले लिए, ठीक है, रेस तो कर लिया, उसको पता चल गया उस कैसे रेस करना है, रेस कर लिया, अब उस फंड को कहाँ वो इन्वेस्ट करेगा। तो फाइनेंस मैनेजर का ये वर्क होता है कि वो हमेशा इस बात को डिसाइड करे और उस फंड को हमेशा प्रॉफिटेबल वेंचर में, ठीक है, ही इन्वेस्ट करे, सो दैट देयर इज़ अ सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलर रिटर्न इज़ पॉसिबल। तभी क्या करेगा, अगर वो एक अच्छे प्रॉफिटेबल वेंचर्स में अपने फंड को क्या करता है, एलोकेट करता है या इन्वेस्ट करता है, तभी वो उसका इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहता है और उसको रेगुलर रिटर्न की भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो किसी भी ऐसे वैसे वेंचर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देता है एज अ रिस्क लेने के लिए, तो उसकी रेगुलर रिटर्न की भी कोई गारंटी नहीं होती है और उसकी सेफ्टी की भी कोई गारंटी नहीं होती है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। द नेट प्रॉफिट डिसीजन हैव टू बी मेड बाय द फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जो नेट प्रॉफिट होता है, मतलब साल भर का जो इनकम होता है, उसके डिसीजंस भी कौन लेता है, उसके डिसीजंस भी हमारा फाइनेंस मैनेजर ही लेता है। दिस कैन बी डन इन टू वेज, इसको वो दो तरीके से लेता है इसके डिसीजन। पहला होता है डिविडेंड डिक्लेयर करता है, या तो दूसरा होता है रिटेन प्रॉफिट, ठीक है। जैसे कि अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो उस पैसे से वो सबका क्या कर देगा, डिविडेंड डिक्लेयर कर देगा। या दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि वो रिटेन अर्निंग अपने कंपनी में वो उसको एज अ सरप्लस प्रॉफिट की तरह क्या कर लेगा,
रख लेगा कि कभी अगर कोई लॉस होता है या कभी कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जिसमें कि अगर उसको पैसे की ज़रूरत हो तो वो उसी रिटेन्ड अर्निंग को यूज़ कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा डिविडेंड डिक्लेयर्स। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द रेट ऑफ डिविडेंड एंड अदर बेनिफिट्स लाइक बोनस। ठीक है, इसमें वो देख लेता है कि उसको किस इंटरेस्ट से डिविडेंड बांटना है, मतलब प्रॉफिट बांटना है, या वो अदर बेनिफिट लाइक अ बोनस वोनस की तरह क्या करता है, अपने प्रॉफिट को दे देता है शेयर होल्डर्स के बीच में। और दूसरा तरीका होता है रिटेन्ड अर्निंग। द वॉल्यूम हैज टू बी डिसाइडेड विच विल डिपेंड अपॉन द एक्सपेंशनल इनोवेशनल डाइवर्सिफिकेशनल प्लान्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग में वो क्या करेगा, पैसा सेव करके रख लेगा। इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कंपनी का मतलब फ्यूचर गोल क्या है, उसको किस तरीके से एक्सपेंड करना है, उसको कुछ नए इनोवेशन तो नहीं करने है, उसको कहीं नई जगह इन्वेस्ट तो नहीं करना है, उस प्लान पे पूरा का पूरा ये रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। अगर ऐसा कोई प्लान नहीं है बिजनेस का तो वो डिविडेंड की तरह उस प्रॉफिट को बांट देगा, और अगर उसका ऐसा कुछ प्लान है तो वो क्या करेगा, फ्यूचर के लिए उसको एज अ रिटेन्ड अर्निंग की तरह उस प्रॉफिट को सेव करके रख लेगा। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ कैश। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कैश। फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू मेक डिसीजन विथ रिकार्ड टू कैश मैनेजमेंट। ठीक है, हमारा जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसको कैश को किस तरीके से मैनेज करना है इसके पर्पस में भी वो क्या करता है, डिसीजंस लेता है। कैश इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैनी पर्पस लाइक पेमेंट ऑफ वेज एंड सैलरी, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, पेमेंट ऑफ बिल, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मीटिंग करेंट लाइबिलिटीज, मेंटेनेंस ऑफ इनफ स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस में कैश का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत जगह हमें कैश की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको वेज और सैलरी का पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है, वाटर बिल का पेमेंट करना है, आपको अपने क्रेडिटर्स को देना है, जो करंट की लाइबिलिटीज़ होती हैं छोटी मोटी आपको उसको भी पे बैक करना है, आपको अपने बिजनेस में स्टॉक भी मेंटेन करके रखना है, और आपको उसी कैश से रॉ मटेरियल भी परचेस करना है। तो इन सब चीज़ों को वो कैश कैसे मैनेज करेगा, इन सब चीज़ों के लिए कैश कैसे अवेलेबल रहेगा बिजनेस में, इसका भी डिसीजन हमारा फाइनेंस मैनेजर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन है हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल। द फाइनेंस मैनेजर हैज़ नॉट ओनली टू प्लान, प्रोक्योर एंड यूटिलाइज द फंड, बट ही ऑल्सो हैज़ टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस। ठीक है, हमारे फाइनेंस मैनेजर का सिर्फ यही काम नहीं होता है कि वो फंड को लाना कहाँ से है, उसको यूटिलाइज़ कहाँ पे करना है, उसको प्लान कैसे करना है, सिर्फ यही काम नहीं होता हमारे फाइनेंस मैनेजर का, बल्कि वो पूरी तरीके से फाइनेंशियल जो प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, उसको कहाँ यूज़ हो रहा है, उन सब चीज़ों पे वो कंट्रोल भी करता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से उसको मैनेज और कंट्रोल भी करता है। दिस कैन बी डन थ्रू मैनी टेक्निक्स लाइक रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, कॉस्ट एंड प्रॉफिट कंट्रोल एक्सेट्रा। ठीक है, ये वो बहुत तरीके से करता है, जैसे रेशियो एनालिसिस के थ्रू कर लेता है, या फाइनेंशियल फोरकास्ट करके कर लेता है, या कॉस्ट को या प्रॉफिट को कंट्रोल करके। ठीक है, वो कभी बोल देगा कि नहीं डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है, या कॉस्ट इस चीज़ की कॉस्ट कम आनी चाहिए। ठीक है, आप 10 रुपये लगा रहे हो, नहीं आपको 8 रुपये में ही ये सामान रेडी करना है। ठीक है, तो ये सब टेक्निक्स यूज़ करके वो हमारे क्या करता है, फाइनेंशियल जो एक्सरसाइज हो रही है फाइनेंस को वो कंट्रोल भी करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।